नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में नई अपडेट्स और लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर से सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बेलाइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करते चलें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जिसे हम ई एम आर एस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होना था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अभी तक इसकी फाइनल डेट डिसाइड नहीं की गई है लेकिन अब जो संभावित डेट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके साथ में ही वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी टी में क्या वेतनमान रहने वाला है इसके बारे में बातचीत करेंगे और पदों की संख्या क्या रहने वाली है इससे संबंधित भी थोड़ी सी जानकारी हम अपने इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ई एम आर एस की परीक्षा चूंकि जून में प्रस्तावित थी और जैसा मैंने बताया कि कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया था तो वो नोटिफिकेशन भी आप लोग देख लें देखिए दोस्तों ये जो पब्लिक नोटिस था ई एम आर एस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम यानी ई टी डबल एस ई दो हजार इक्कीस के लिए अब इसमें है कि इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग कोविड नाइनटीन पेंडेमिक द कैंडिडेट ऑफ ई एट एस एस ई आर हेयर वाई इन क्या इंफॉर्मेशन है? तो है कि नोटिस के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया उसके बाद में वन मंथ विंडो शेल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग मई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लियर हो गया सभी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं इसमें कोई डाउट नहीं है नंबर तीसरा है कि न्यू एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इंक्लूडिंग करेक्शन विंडोज फॉर ई टी डबल एस ई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन शेल बी इंफॉर्म टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्सेस अब नीचे लास्ट में ये कहते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द रिक्रूटमेंट पोर्टल यानी कि जो एन टी रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसको समय समय पर सभी अभ्यर्थी चेक करते रहे और एस एम एस के माध्यम से भी और उनकी ईमेल्स के माध्यम से भी एग्जाम्स की डेट कन्फर्म कर दी जाएगी तो उनके ईमेल पर भी और एस एम एस के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाएगी तो इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों एक पब्लिक नोटिस जारी किया था अब इसकी बीच में चर्चा इसलिए नहीं हुई कि कोरोना काल चल रहा था तो निश्चित रूप से ये एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाना था क्योंकि बड़े लेवल का एग्जाम है पूरे भारत में बहुत सारे सेंटर पर इसको कंडक्ट होना है इसलिए कोरोना काल के बीच में तो ये संभव ही नहीं था कि इसको कंडक्ट करवा दिया जाए अब चूंकि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि सी का एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग तीन का भी एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है जैसा कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो डेट दी गई है हालांकि उन्होंने केवल महीना बताया है दिनांक निश्चित नहीं की है और इसके साथ में भी और सारे एग्जाम जैसे कि नीट का एग्जाम है तो ये सभी स्टार्ट हो चुके हैं और और दोस्तों अब आगे आने वाले सत्र में जो कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले में भर्ती निश्चित रूप से की जाएगी तो हम ये मान सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में यह एग्जाम निश्चित रूप से होगा और अब कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए मात्र ढाई से तीन महीने का ही समय मिला हुआ है हालांकि तैयारी सभी लोग कर रहे होंगे क्योंकि यदि हम सिलेबस की बात करें तो सी का सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग तीन का सिलेबस और ई एम आर एस का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है केवल कठिनाई का स्तर इस ही इसमें अलग है बाकी पूरा सिलेबस सेम टू सेम है तो दिक्कत कुछ भी नहीं है सभी लोग सी टी टी की तैयारी कर रहे हैं वर्ग तीन की भी तैयारी कर रहे हैं बस थोड़ा सा अपना लेवल हम इसमें बढ़ा सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई बात की नोटिस की दिसंबर में इसका एग्जाम निश्चित रूप से कंडक्ट करवाया जाएगा चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या की तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं और दोस्तों सभी प्रदेश इसमें लगभग लगभग शामिल किए गए हैं और मुख्य रूप से यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो सर्वाधिक पोस्ट मध्य प्रदेश में ही निकली हैं एक बारह पदों पर ई एम आर एस के माध्यम से एग्जाम के माध्यम से एकलव्य आदर्श विद्यालयों में भर्तियाँ किया जाना प्रस्तावित है तो दोस्तों सभी लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और जो पद है वो हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल है पीजीटी और टीजीटी हैं टी, टी है, जिनका कि उनकी बुकलेट में बाकायदा सिलेबस वगैरह सभी दिया गया है और मैं इसके पहले आप लोगों को पूरी जानकारी बता भी चुका हूँ दे भी चुका हूँ अब दोस्तों चलिए सैलरी की बात इसमें देख लें हम देखिए दोस्तों इसमें जो पे स्केल दिया है वो भी आप देख लें और ये लेवल ट्वेल्व के अंतर्गत आता है रुपए सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड से टू लैक्स नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड का पे स्केल है सबसे हाईएस्ट स्केल है ये प्रिंसिपल का उसके बाद वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो लेवल टेन में आता है और इसमें है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड टू वन लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज उसके बाद में तीसरा है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सभी कुछ है ये सब आप देख पा रहे हैं और ये लेवल एट के अंतर्गत आता है और इसमें जो पे स्केल दिया हुआ है वह फोर्टी सिक्स हंड्रेड से वन लैख के अंतर्गत आता है उसके बाद टीजीटी टीजीटी में भी इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट हैं और ये लेवल सेवन के अंतर्गत है और इसमें जो पे स्केल है वो है 44, से 1, 42, का, का है से का स्केल और दोस्तों इस प्रकार से स्केल बहुत अच्छा है और सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसा विश्वास है ऐसी आशा है तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए और अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित सिलेबस की चर्चा करेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टी से रिलेटेड जो भी टोटल सिलेबस रहेगा उसके संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो भी अगला वीडियो आएगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत